में बॉलीवुड से तेलुगु सुपरस्टार आए हैं और वो भी बिहार की माटी से है, जिन्होंने बाहर जाकर बिहार की माटी रोशन कर रहा है और युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं कि वो भी फिल्म मेकिंग में और फिल्म इंडस्ट्री में अपना छाप छोड़ सकते हैं। तो क्रांति भाई और प्रतिभा दीदी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत स्वामी रामदेव का भी कुछ किया, वैसे नहीं कि मुझे चिस्पुरा महाराज भी कहता नहीं कि चिस्पुरा होता है। आप
आपके अंदर जो हमारे बाकी जो भोलेनाथ जी अच्छा ले जाएंगे एक्टर भी कुछ नहीं होना चाहिए जोरा क्या अच्छा किया तो छोड़ के जैसे हर के माता पिता चाहते हैं कि यार उनका बेटा जो है वो अच्छा
अच्छा काम करे, अच्छी नौकरी करे, अच्छा पैसा कमाए, पर ऐसे लोग मिलते हैं चूल होती है, पिल्लू होता है, नहीं कुछ करना है बिहार जाके वापस। ये वही आदमी है कि कुछ भी टीम है कि भाई मजदूरी फिल्म बनाएंगे तो अपनी फिल्म बनाएंगे देशवा, कितने लोग जानते हैं उसके बारे में? एक चीज आप लोग जानते हैं, कभी देखिएगा यूट्यूब पे, देखिए आप लोग जैसे बिहार के लोग हैं, आप लोगों को कितने लोगों की मातृभाषा है यहाँ पे भोजपुरी या मैथिली है, कितने लोग बोलते हैं? सब बोलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपकी मातृभाषा क्या है? हाँ हिंदी बोले बोले हिंदी बोले ना कि हिंदी खाली बोले बोलते हैं। तो यही चक्कर है कि जैसे मैं बाहर में देखता हूँ तो बिहार के लोग भी जो है वो अपनी मातृभाषा बोलते नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी मातृभाषा बोलने होगा क्या, मुझसे पूछते होंगे क्या होगा, बोलते अपने बच्चे को सिखा देंगे मुझसे होगा क्या। अब इस सवाल का मैं उत्तर तो नहीं दे सकता, मैं बस हफ्ता रह सकता हूँ कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ। जो आदमी अपनी मातृभाषा का सम्मान नहीं करेगा, अपनी माँ का सम्मान नहीं करेगा, वहाँ से कहीं का सम्मान नहीं कर सकता। क्योंकि मैं अगर वहाँ गया, वहाँ से मैं आगे ऐसी बातें करता हूँ तभी आपने मुझे बुलाया, मैं अगर वैसी बातें नहीं करूँगा आपको यहाँ नहीं बुलाया, क्योंकि मैं वैसा हूँ, इसलिए मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। अब जैसे इतने लोग हैं, अगर एक आदमी मेरी बातों से इंस्पायर होता है तो बहुत अच्छी है, मेरा काम यहाँ पे आना सफल हो जाएगा। तो यात्रा वही है कि अनुभव बिहारी है और बिहार के लिए, बिहार में मेरे लिए कुछ नहीं किया, और इसकी वजह बिहार ने मेरे लिए कुछ नहीं किया आज तक, मुझे उम्मीद भी नहीं कि बिहार कुछ आएगा मेरे लिए, पर मैं बिहार के लिए करता हूँ क्योंकि मैं वैसा हूँ। और बिहार से ज़्यादा बिहार में जो बिहारी रहते हैं उससे ज़्यादा अनुभव बिहार के बॉम्बे में रहते हैं। दिल्ली में जब मैं हिंदू में पढ़ता था तो वहाँ भी लोग कहते नहीं थे बिहार में, लेकिन वो पकड़े जाते थे कि कैसे पकड़े जाते थे, तो अरे यार वहाँ गए पता है क्या हुआ, ये शर्ट दिखी सब कुछ सही है, लेकिन जैसे बोला कि बुल्लू शर्ट, अब बुल्लू तो बिहारी बोलेगा ना, अगर बिहारी बन गया होगा तो क्या दिक्कत है यार, लोग तो कहते नहीं थे बिहार में। पर तब से लेके तब से मैं यहाँ से निकला हूँ बिहार से, तब से लेके आज तक मैं छाती ठोक के कहता हूँ मैं बिहार का, बिहार में ये कुछ करेगा नहीं करेगा, मैं बिहार में करता हूँ ये जरूर। हमारे साथ सीनियर पत्रकार राकेश सिंह सोलंकी, उनके कुछ सवाल हैं आपके लिए। अरे डॉक्टर, पहले मैं अपना कुछ अनुभव बताता हूँ गांधी जी के फिल्म के बारे में। जैसे मैं पटना में था तो बॉम्बे ले गया।